तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल, जिससे आप अपने मोबाइल के कैमरे को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो आपको फोटो हो, चाहे वो वीडियो लेना है, वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों ना हो, इसे आप काफ़ी अच्छे से काफ़ी दूर से अपने कैमरे को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइस, ये रिमोट कंट्रोल उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है जो एक यूट्यूबर है, कि हम जो मोबाइल है वो दूर में रखते हैं और उसके बाद बार बार हमें वहाँ पर जाना पड़ जाता है। इसलिए आप सीधे एक बार अपने रिमोट कंट्रोल को दबाइए, उसके बाद आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग है शुरू हो जाएगा। उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है जो एक फोटोग्राफर है, जिनका प्रोफेशन फ़ोटो खींचना होता है। आप दूर में रख के मोबाइल को जो टाइमर इतना चला के आप सीधे अपने मोबाइल से अपने रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो काफ़ी आसानी से। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करते हैं। इसे मैंने कहाँ से बाइक की, कितने में बाइक की, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, कुछ इस तरीके बॉक्स में ही आया हुआ है। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो चुका है, ये मेरा प्रीपेड पार्सल था। यहाँ पर शायद कितने का है वो भी मैं आपको बता दूँ। चलिए, इसका जो प्राइस है मैं आपको लास्ट में बता दूँगा। इसे आप देखते हैं हमारे जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखता है। तो यहाँ से हमारे बॉक्स से बाहर निकल गया। इसके साथ हमें क्या साथ, ये जो हमारा रिमोट है हुआ पूरा टूटा हुआ आया हुआ, इसे हमें स्वयं से फिट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे फिट होता है। ये तो जो सेल है उसको हम यहाँ से इसको लगा लेते हैं। उसके बाद जो इसका बॉक्स है उसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कैमरे का भी ऑप्शन दिया हुआ है और iOS का भी ऑप्शन दिया हुआ है। वहीं पे नीचे पे आपको देख पा रहा होगा एंड्रॉयड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इससे हम अपना जो एंड्रॉयड में कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ऑन ऑफ लिखा होगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ जैसे ही करेंगे ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाता है, शायद सेल उल्टा लग गई इसलिए ऑन नहीं हुआ। तो चलिए हम सेल को एक बार चेंज करके देखते हैं कैसे लगता है। तो गाइस, मैंने जो सेल है जो उल्टा लगा दी थी, चलिए इस बार सीधा लगाते हैं। इसको जो सेल है उसको इसको नीचे की तरफ रखना है। आप देख पा रहे हो जो यहाँ पे डिब्बे डिब्बे जैसे बना हुआ है, इसको नीचे की तरफ में रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, इसको ऊपर की तरफ में रखना है। यहाँ पे अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये आपको लिथियम का बैटरी देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं, इसको नीचे की तरफ करके यहाँ से लगा लेते हैं इसको। और इसको हल्का सा प्रेस करना है, उसके बाद टक से आवाज़ आएगा सब, सुनना थोड़ा सा। ऐसे टक से आवाज़ आने के बाद समझिएगा कि लग चुका है। उसके बाद हमें जो हमारा इसका जो ऊपर का जो कवर, इसको लगा लेना है। यहाँ पे ये लग चुका है। अब चलिए हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका जो लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू हो चुका है, मतलब ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पे एक हैंगर दिया हुआ है। बस इसके साथ साथ मुझे एक मोबाइल होल्डर भी मिल गया था। तो गाइस, यहाँ से ये जो हमारा ट्राइप होल्डर था उसमें ऐसे लग जाता है। और ये इसका जो साइज छोटा बड़ा करने का दिया हुआ है, इसके यहाँ पे रबड़ का दिया हुआ है ताकि आपका जो मोबाइल है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे भी रबड़ का दिया हुआ है ताकि आपका मोबाइल डैमेज ना हो। अगल बगल में ये पूरा प्लास्टिक का फ्रेम है और इसको आप कुछ इस तरीके से खींच के मोबाइल में फिट कर सकते हो। तो ये दोनों प्रोडक्ट मुझे मिले थे साथ में। मैं बता दूँ ये मुझे कितने में मिले, वैसे मुझे 148 रुपीज़ में मिल गया। इसमें इसका मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख पाओगे शायद इसका बिल आपको दिख पा रहा होगा, 148 रुपीज़। मैंने इसे 148 रुपीज़ में बाई किया था। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसे बाई कर सकते हो। तो चलिए हम इसे अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो कैसे यहाँ से मैं अपना ब्लूटूथ है जो ऑन कर लेता हूँ अपने मोबाइल का। तो चलिए हम ऐसे ब्लूटूथ है जो ऑन कर लेते हैं। वो आ चुका है, यहाँ पे आप देख पाओगे तो AB Shutter 3 लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे नीचे की तरफ। इस पर हम क्लिक कर देते हैं, देख पा रहे कनेक्टेड लिखा हुआ आ चुका है। तो चलिए एक बार हम कैमरे का टेस्ट ले लेते हैं, एक बार बैक कर लेते हैं और कैमरा ओपन कर लेते हैं। देख पाओगे कि हमारे जो कैमरा का जो कंट्रोल है वह हम टच नहीं किए, फिर भी हम जैसे हम बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे आप देखोगे देख पा रहे हैं काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा जो फ़ोटो है वो ले रहा है। चलिए एक वीडियो भी हम यहाँ पे शूट कर लेते हैं। एक वीडियो मैंने ऐसे वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे मैंने ले आया, चलिए अब वीडियो चला लेते हैं। ऐसे देख पा रहे होगी हमारा जो वीडियो चलना शुरू हो चुका है। तो वही सब ने यहाँ पे देखा कि हमारा जो रिमोट है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो वही सब ने देख ही लिया कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, इस कैमरा शटर रिमोट को इसे अपने मोबाइल में ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो।
इसका जो बैटरी है वो लगभग 6 से 7 मिनट चला जाएगा इसका जो बैटरी। और बात कर लेते हैं इसके जो मोबाइल होल्डर है, इसको आप अपने ट्राईपोर्ड में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे होल दिया होगा आपको दिखा रहा होगा, तो आप अपने जो ट्राईपोर्ड में इसे यूज़ कर सकते हो। इससे जो मोबाइल है काफ़ी आसानी से आ जाता है। मैं आपको एक बार मोबाइल लगा कर दिखा देता हूँ। तो भाई साहब मैं आप देख पा रहा हूँ कुछ इस तरीके से हम इसे माउंट कर लेंगे। यहाँ पे जो इसका हुक है यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ये माउंट हो चुके हैं। आप इसे सिर्फ एक वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसे आप सेल्फी वगैरह अब इसे टिकटॉक वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ नॉर्मल जो आप यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं उससे ये काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।